फिलहाल देखिए विधानसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी है उसकी मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही है। रणजीत चौटाला उन्होंने तो बगावती तेवर दिखा दिए, बीजेपी सम्मानजनक तरीके से चुनाव लड़वाए ये कह रहे हैं रणजीत चौटाला। अगर मेरी अनदेखी हुई तो फिर अपने तरीके से मैं चुनाव लड़ूंगा, ये खुली चुनौती रणजीत चौटाला की तरफ से बीजेपी आलाकमान को दी जा रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं रणजीत चौटाला, आप जानते हैं चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे हैं रणजीत चौटाला। 2019 में इंडिपेंडेंट निर्दलीय जीते थे, बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था एन लोकसभा चुनाव से पहले, और ऐसे में अब हिसार से लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला जिन्हें लोकसभा चुनाव में हार मिली उनकी तरफ से ये खुली बगावत जो की जा रही है। जो नई कमेटी बनी है जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर आए हैं नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस, और अपने बेटे को वहाँ रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। अगर बीजेपी सम्मानजनक तरीके से मुझे कुछ चुनाव लड़ाना, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है, मैं बीजेपी में मिलाना चाह रहा हूँ। पर अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, मेरे लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ूंगा। अब वो बीजेपी तय करे कि अगर रणजीत सिंह चाहिए तो हलोपा को दूर करेगा, अगर हलोपा को रखेंगे तो रणजीत सिंह अपना रास्ता तय करेगा। तो रणजीत चौटाला को आप सुन रहे थे, बिना लाग लपेट के वो सीधी बात कर रहे हैं। हालांकि अब हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी वो सामने आए, कह रहे हैं किसी तरीके के विवाद की बात कोई है ही नहीं, वो हर विवाद से इनकार कर रहे हैं। रणजीत चौटाला को सीएम ने बताया सम्मानित नेता, इतना ही नहीं गोपाल कांडा को लेकर जब सवाल पूछा गया तो हालांकि उस पर उन्होंने गोलमोल से जवाब दिया है, लड़ाई जैसी कोई बात नहीं है, ये कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हमारी सरकार में मंत्री हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं, पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया है हिसार से, और कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। होती रहती है बात इन दिनों में, हाँ हाँ होती रहती है, बात होती रहती है। तो नायब सिंह सैनी जो है रणजीत चौटाला को सम्मानित नेता तो करार दे रहे हैं, लेकिन उनकी रानिया सीट का क्या, इसी को लेकर सवाल है। और वो इसलिए है क्योंकि रणजीत चौटाला की रानिया सीट पर गोपाल कांडा ने अपने भतीजे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रणजीत चौटाला बीजेपी में है, गोपाल कांडा बीजेपी के सहयोगी बन गए। रानिया सीट से उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही रणजीत चौटाला नाराज हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं, और वहीं गोपाल कांडा भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। अब गोपाल कांडा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रणजीत चौटाला का तो कोई जनाधार ही नहीं, रणजीत चौटाला का जनाधार नहीं बंटाधार है, रानिया में रणजीत की जमानत जब्त करवा देंगे, रणजीत जीती हुई सीट लोकसभा में हार गए, ऐसे में उनकी दावेदारी बनती ही नहीं, ये गोपाल कांडा कह रहे हैं। चौधरी रंजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको हिसार की टिकट दे दी, वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी, और बाद में मुझे कुलदीप ने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, जो इनकी आदत है। इनका जनाधार क्या है, इनको कोई लाइक नहीं करता कहीं भी। चौधरी रंजीत सिंह जी को इतना बड़ा जोशी बनने की जरूरत नहीं है, वो अपना बचा लें कुछ भी, ठीक है कि वो कहीं से उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी क्या करेंगे। गोपाल कांडा तो कहाँ कहाँ जीत रहे हैं वो वक्त बताएगा, ठीक है ना, वो आप सबके सामने होगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ मौजूद हैं इस समय, और जरा सचिन से ही समझते हैं चल क्या रहा है। सचिन, क्या गोपाल कांडा को साथ रखने के लिए बीजेपी रणजीत चौटाला से किनारा या उनकी नाराजगी मोल लेने को तैयार है, मन बना लिया है? जी देखिए, बीजेपी के लिए ये अब डबल एज स्वॉर्ड हो गई है, दोधारी तलवार है, क्योंकि बीजेपी रणजीत चौटाला को भी साथ रखना चाहती है और गोपाल कांडा को भी साथ रखना चाहती है। उसकी वजह है क्योंकि रणजीत चौटाला को जो है जाट वोट बैंक की वजह से साथ रखना चाहते हैं, खासकर क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स नॉन जाट पॉलिटिक्स रही है, पर जाट वोट बैंक को वो जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खासकर सिरसा और उसके आसपास के रीजन में। तो चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं रणजीत चौटाला, तो इसलिए रणजीत चौटाला
चौटाला को भी साथ रखना चाहते हैं, पर गोपाल कांडा को भी साथ रखना चाहते हैं क्योंकि गोपाल कांडा का उस रीजन में अपना एक रसूख है। तो अब समस्या जो है वो रानिया सीट पे आ गई है क्योंकि गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा जो हैं उन्होंने पहले ही अपने बेटे धवल कांडा को जो है वो अनाउंस कर दिया है कि वो HLP के टिकट पे जो हैं वो इलेक्शन जो है लड़ेंगे रानिया सीट से। वहीं से सारी गड़बड़ जो है शुरू हुई है। अब रंजीत चौटाला रानिया से इंडिपेंडेंट विधायक थे, अभी इस्तीफा दिया है, मंत्रिमंडल में है, हरियाणा मंत्रिमंडल में। अब बीजेपी के लिए इसको सुलझाना जो है बड़ा मुश्किल है, किसको रखे किसको नहीं रखे। अगर दोनों को रखना है जो है वो बीजेपी के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ गोपाल कांडा और उनके परिवार की तरफ से उन्हीं के भतीजे जिनकी उम्मीदवारी का ऐलान इस रानिया सीट से कर दिया गया है, वही रानिया सीट जहां से रंजीत चौटाला 2019 में निर्दलीय चुनाव जीते थे। तो मामला यहां पर आकर फंस गया है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का।